जो इसका जो लक्ष्य है, इसकी जो उपलब्धि है वो, या इसकी जो महत्ता है वो एक पत्रकार के लिए क्या मायने रखती है। मैं इससे पहले भी आया था जयपुर में, उस समय भी मजीठिया के ऊपर काफ़ी लोगों को मैंने उस बारे में बताया था, हमारे प्रताप जी भी थे उस टाइम, और उस समय भी संगठन की तरफ से मेरा यही अनुरोध था सबसे, अगर किसी को भी मजीठिया बेज बोर्ड के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। और आप यकीन मानिए, बहुत सारे संगठन और पर्सनल जो भी पत्रकार थे उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने उनको इस बारे में पूरी जानकारी दी। जैसा कि ज्ञानेश्वर गौतम जी कह रहे थे, पत्रकार का ही दुश्मन होता है। एक पत्रकार जो मालिक के लिए काम करता है और नीचे वाले पत्रकारों का दमन करता है, वो बिल्कुल सही कहा। और जो नकली और असली पत्रकार, इसकी पहचान कैसे हो, इसके लिए शायद आप लोगों को मालूम हो या नहीं, पांडिचेरी में जब से ये गवर्नर बनी किरण बेदी, इन्होंने जितने भी व्हीकल्स जिनके ऊपर प्रेस का स्टिकर होता है सबको सीज करना शुरू किया। उसमें 50% मोर देन 50% ऐसे पत्रकार थे जो पत्रकार थे ही नहीं। उन्होंने वहाँ एक सिस्टम बना रखा है कि जो भी पत्रकार जिसके पास PIB कार्ड है, जो एक्रीडेटेड है, एक्रीडेशन है जिसका, सिर्फ उन्हीं को परमिशन है स्टिकर लगाने की। उसके अलावा यदि कोई पत्रकार जो एक्रीडेशन जिसका नहीं हुआ किंतु वो पुराना पत्रकार है, 5-6-7-8 साल या 9 साल से जो काम कर रहा है अभी, तो वही पत्रकार, तो उनका वेरिफिकेशन करके उनको एक स्पेशल स्टिकर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मेरा कहना ये है कि जब आप पत्रकारों के प्रति इतने सचेत हैं, असली और नकली की पहचान करने में लगे हैं, तो पत्रकारों का जो अधिकार है उसके प्रति सचेत आप क्यों नहीं। आज जो मजीठिया वेज बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट के पिटीशन लगे, उस कंटेम्प्ट को खत्म करने के लिए सभी मालिकों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने तरीके से, सिर्फ वो कंटेम्प्ट से बचने के लिए। उसका फायदा मालिकों को ही मिला, उनके ऊपर कोई फाइन नहीं हुआ, कोई जुर्माना ही नहीं हुआ, कोई उनको जो है कोई जो है सजा इम्पोज नहीं की गई उनके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, हम लोग, मैं पर्सनली हियरिंग में जाता था। आज जो हमारे चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई, जो आज की डेट में चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस उनकी कोर्ट में ये मैटर चलता था। और जब हम जाते थे तो ऐसे लगता था कि कर्मचारियों की जीत होगी, कर्मचारियों के फेवर में आएगा, किंतु जब वो उसका जो ऑर्डर आया, ऑर्डर वो इस तरीके से आया कि वो, एक कहावत हमने सुनी है, सांप के मुंह में चुचुंदर, उस तरह का ऑर्डर आया, ना वो मालिकों को समझ आया ना वर्कर को समझ आया। उसमें ये डायरेक्शन दी गई कि अगर वर्कर को अपना हक लड़ना है तो सारे जितने भी स्टेट थे उनके DLC जितने ऑफिस थे, डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस, उनको पावर दे दी गई कि आप पर्सनली इसको देखिए, जो भी संस्थान है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसको आप देखिए और उसकी इंक्वायरी कीजिए कि उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया है मजीठिया वेज बोर्ड अकॉर्डिंग टू द मजीठिया वेज बोर्ड रिकमेंडेशन 2011, इम्प्लीमेंट हुआ ये 2014 में, तो इन्होंने जो 2011 से जो एरिया देना था 4 किस्तों में वो दिया है नहीं, या जो कंपनी की जो अर्निंग है उसके हिसाब से इन्होंने वो प्रॉफिट दिया है या नहीं, इसको वेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअली हर एक स्टेट के DLC डिप्टी लेबर कमिश्नर को ये पावर एंडोर्स कर। उसका नतीजा ये हुआ
कि जितने भी लेबर कमिश्नर ऑफिस थे उन्होंने लेबर ऑफिसर दो या तीन जो भी है उन्होंने अपॉइंट किए जोन वाइज ज्यूरिडिक्शन वाइज, और वो पर्सनली गए हर एक ऑफिस में, गए हर एक न्यूज़पेपर संस्थान में गए। उसमें जो बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर संस्थान हैं उन्होंने रिकॉर्ड तक नहीं दिखाए, हालांकि उनके ऊपर दोबारा डॉक्यूमेंट्स ना दिखाने के लिए सरकारी कर्मचारी को केस भी पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन उनका मालिकों को कोई असर नहीं है। अभी जैसे सुभाष जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो अंगूर नीचे गिर गए गुच्छे से अलग हो गए उनकी कोई औकात नहीं, कोई कीमत नहीं, और जो संगठन की तरह एक जुड़ा हुआ है उसी की औकात है या उसी की वैल्यू है। अब क्या हुआ कि जब ये डीएलसी या लेबर ऑफिस ऑफिसर जो भी आते हैं तो आपको पता है कि मैनेजमेंट जब ऊपर तक खरीद सकती है तो उनकी क्या औकात है, तो उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सही नहीं है। अभी शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं, 300 लोगों को पीटीआई से निकाल दिया गया, जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप का केस कोर्ट में चल रहा है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस, आपको कोई भी मालिक आपको बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए भी एक प्रोटेक्शन एक्ट है अंडर आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक प्रोटेक्शन एक्ट है जो वर्कर को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये उसकी भी चिंता नहीं कर रहे, अब एक ही चारा बचा है वो है कोर्ट। आपको मालूम होना चाहिए अभी पटना में एक केस हुआ था, उनको 34 लाख रुपए मिले, वो एक जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, मजीठिया वेज बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम उनको मैनेजर बना दिया गया, और ये कहा गया मैनेजमेंट की तरफ से कि ही इज नॉट ए जर्नलिस्ट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की पोस्ट है, मैनेजर जो है वो जर्नलिस्ट में नहीं आता, तो इसलिए हम इनको नहीं दे सकते। उस आदमी ने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और 34 लाख रुपए उसको मिले। और आप कहें तो मैं उस चीज को भी आप लोगों को मैं भेजूंगा। इसी तरह वेज बोर्ड में जो भी डे टू डे जो भी कोई हमें बात पता लगती है मैं उसको अपने व्हाट्सएप पे डालता हूँ, और अपनी बात पहुँचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी जाके चिल्लाएं या किसी को बताएं, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी बात पहुंचानी है व्हाट्सएप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी चीज के भी थ्रू, आप अभी महाराष्ट्र में 5 लोग संगठित थे वो कोर्ट से केस जीत के आए, उनको कंपनी से निकाल दिया गया ताकि हमें इनको कुछ, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें सिर्फ 5 ही इम्प्लाई थे जो अंडर वेज बोर्ड थे, उन 5 को मैनेजमेंट ने निकाल दिया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, कोर्ट से डायरेक्शन आई रेन स्टेट की, उनको दोबारा नौकरी दी गई और उनको विद एरियर उनको पैसा मिला। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ भी यूनिटी है, हमारे संगठन ने वेज बोर्ड के लिए काफ़ी काम किया, पर्सनली मैंने जिसको भी जो जानकारी चाहिए थी हमने दी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है अकेला आदमी कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये बात सही है, क्योंकि उसके पीछे उसकी फैमिली है, लाइबिलिटी है, तो अकेला नहीं कर सकता। और यूनियन में भी क्या है, आपको दैनिक अभी आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्प्लाई या ये कहिए कि सबसे ज़्यादा जो बदमाश मैनेजमेंट है वो है दैनिक जागरण। एक ऑर्डर आने के बाद इनको रेंज स्टेट करिए, दूसरे को निकाल देते थे कि तुम कितना लड़ोगे, और अभी तक उनका यही चल रहा है। लेकिन वो लोग संगठित रहे वहाँ पर, यहाँ तक कि एक फेक यूनियन खड़ी कर दी गई और उसका सेटलमेंट दिखा दिया गया मैनेजमेंट से कि यहाँ पे सेटल हो गया है, तो यूनियन जो है विड्रॉ कर रही है अपना केस। बाद में जो जेन्युइन यूनियन थी उसने उसको चैलेंज किया, और दोबारा उसको चैलेंज में जीतने के बाद अब वो केस कंटिन्यू है।
अब डीएलसी में सुप्रीम कोर्ट में जब फाइनल ऑर्डर आया उसके बाद एक ऑर्डर हो रहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और 6 मंथ में इस चीज को निपटा दिया जाएगा, लेकिन यह इंडिया है, आपके डीएलसी से ही 6 महीने लग जाते हैं आपकी फाइल रेफरेंस होने में और लेबर कोर्ट आने में। और लेबर कोर्ट में डायरेक्शन है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इसलिए अभी तक जो भी केस है जो मैं देख रहा हूँ, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, हिंदुस्तान टाइम्स का हो, या हमारे इंडियन एक्सप्रेस का हो, और इसका आपके पत्रिका वालों ने भी डाल रखा है, कई यूनियन है, कई संगठन है जिन्होंने केस डाल रखे हैं और उसमें पॉजिटिव आ रहे हैं रिजल्ट। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि स्टेट, एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई गलत जजमेंट देती है तो वो उसको अगर चैलेंज करते हैं यूनियन वाले या मैनेजमेंट वाले, तो वो ऊपर के कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में। नॉर्मली जो भी ऑर्डर निचली कोर्ट का होता है, निचली अदालत का होता है, वो 99% ऊपरी अदालत उसको मानती है। उसका रीजन है कि जो ऊपरी अदालत है उसको कोई एविडेंस नहीं करनी, कोई क्रॉस नहीं करना, कोई चीफ नहीं करना, उसको सिर्फ जो नीचे जो तथ्य है उसको देख के उसको अपना फैसला देना है, और जो ऊपर बैठे हैं बट नेचुरल है वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे ज़्यादा अच्छी लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसीलिए अंडर सेक्शन 17(1) में ये क्लेम कोई भी कर सकता है जो भी एम्प्लॉई है अंडर वेज बोर्ड, और अंडर सेक्शन 17(1) में ही क्लेम कर सकता है। अगर वो दूसरे, मैंने देखा है कई लोगों ने अंडर सेक्शन 17 कर दिया या 17(2) कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि आपका रिकवरी का केस है, 17(1) का केस है। अगर किसी एम्प्लॉई को जहाँ 5, 10, 15, 20, 50 एम्प्लॉई जहाँ भी संगठित है और उन्होंने ये क्लेम डाला है तो उनको वो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो इस वेज बोर्ड का जितना हमें इंतजार था उतनी हमें निराशा भी हुई, लेकिन एक उम्मीद है, उम्मीद ये है कि जब हम लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। और हमारे बीच में सुभाष जी हैं, सुभाष जी एक मिनट खड़े होइए जरा, मैं आपके बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने अभी कहा कि आपको अपनी बात पहुँचानी है, जरूरी नहीं आप बड़ा फंक्शन करें या पर्सनली जाके सबको बताएं। सिरसा में हम गए थे सुभाष जी के प्रोग्राम में, इन्होंने एक डी चैनल लॉन्च किया यूट्यूब पे, मैं अनुरोध करूंगा आप लोग भी उसको सब्सक्राइब करें, और अभी भी हमारा ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है डी चैनल पे, तो मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक नई सोच के साथ, एक नई दिशा के साथ हमारे IMJU को और उचले स्तर तक ले जाने के प्रयास, इसलिए डी चैनल के लिए भी मैं कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। और इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। हमारे बीच पंजाब की धरती से पधारे आदरणीय शीतलदास जी कत्रु साहब, AKS मीडिया के एडिटर इन चीफ हैं आप। आप मंच पे आकर हमें अनुग्रहित करें और अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्री शीतलदास जी कत्रु। आदरणीय मुख्य अतिथि दिल्ली से पधारे हुए और मंच के सभी ऑफिस बेरियर और मेरे पत्रकारी मित्र, मेरे वीर, मेरे भैनों, मैं सारे नूं मुबारकबाद दिना चाहना हाँ कि यह जो संगठन बना है, ये चल रहा है, इसके लिए सभी लोग हम मिलकर आगे बढ़े, ता जो आने वाली जो पत्रकार में मुश्किलें हैं उसका संविधान जो है वो संगठन से ही निकल सकता है, कोई हो जरिया नहीं है। और मैं इन सबका धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने ये उपराला किया है, और मैं अपना पंजाब
जे एंड के, हिमाचल, हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां हमारे चैनल और मैगजीन के जो रिपोर्टर्स हैं उनको साथ जुड़ूंगा और उनकी जो सेवा है वो हम संगठन के लिए लेंगे और मैं हर वक्त इस संस्था के लिए हाजिर रहूंगा और हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार रहूंगा। और मैं रोहित सैम जी का भी धन्यवादी हैं जिन्होंने मैं इतने बुलाया है और सारी संस्था का धन्यवादी हैं कि जिन्होंने इतने आके मेरे को मान दिया है। थैंक यू। धन्यवाद कतरू साहब, आपका आभार। हमारे एक और पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश से हमारे बीच आदरणीय सुनील जी वर्मा साहब हमारे बीच पधारे हैं। सुनील जी अभी बाहर हैं। मैं हिमाचल से कमलेश्वर जी शर्मा, भाई कमलेश्वर जी हमारे बीच हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। कमलेश्वर जी आए और अपने बात मंच पे रखें। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य को मेरा नमस्कार। मैं देखा, जैसे सर ने भी बताया था, यूनिटी वाली बात ये बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जब मैंने पत्रकारिता में 3-4 वर्ष काम किया तो कई जगह ऐसा हुआ कि खबरें रोक दी जाती थी। बड़े बड़े संस्थाओं में कई मंत्रियों के अगेंस्ट खबर लिख देनी तो रोक दी जाती थी। तो मैं मात्र 3 साल में, यानी कि 24 साल का सिद्धि में होना था, एक दिन पहले मैंने अपना पेपर लॉन्च किया जागो हिमाचल। तो वरिष्ठ पत्रकार मैक्सिम थे जो क्रिटिसाइज किया कि यार ये इतने का निकला, 1 साल चलेगा, 2 साल निकलेगा, उसके बाद बैठ जाएगा। तो मेरी इतनी मेहनत रहती थी, मैं 12 किलोमीटर पैदल आऊंगा, 12 किलोमीटर जाऊंगा। क्योंकि बचपन में मैंने एक चीज सोची थी, एक जो अंडा होता था तो वो बोलते थे इतना सा संसार, एक कविता थी। तो उसके बाद वो घोंसले में आती चिड़िया, कहती इतना सा है संस्कार। फिर थोड़ा वो हल्के से पंख खाते आसपास घूमती है तो इतना सा है संस्कार। जब पूरे वर्ल्ड में घूमते तो बहुत बड़ा है संसार। तो मेरे मन में एक छोटी सी चीज थी कि समाज को सुधारा जा सकता है एक कलम के माध्यम से। तो वो चीज मैंने रखी। मैंने मैक्सिमम कई पेपरों में काम किया, इधर से हटा दिया जाता है, ये खबर अगेंस्ट है, इसको रोक दिया जाता था, तो उसको मद्देनजर रखते मैंने एक निकाला। उसके बाद कई स्कूलों की डिमांड थी, मैं बाय डाक पेपर जाती थी पहले 500, आज की डेट में 5000 कॉपी जाती है। सेकंड नंबर पर हिमाचल में मेरी बाय डाक जाती है जो कि आर्मी की वाली जाती है। तो इस मद्देनजर कई स्कूलों से मेरे को खुद डिमांड आई कि आप इंग्लिश में न्यूज निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी बच्चों के लिए। तो मैंने बाय लैंग्वेज जागो वर्ल्ड निकाला। उसके बाद मेरा एक शौक था बचपन से, दैनिक पेपर मैंने अक्सर काम किया था, तो एक शौक था कि दैनिक पेपर अपना हो। तो इसको मद्देनजर रखे 2 साल बाद मैंने एक दैनिक न्यूज़पेपर निकाला जागो वर्ल्ड। तो खैर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, उसका भी कई दबाव है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, यूनिटी की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी हिमाचल में 2-3 पेपर जैसे एक्शन इंडिया हुआ है, 2 अभी विचारों के उनके पेपर नहीं हो पाए थे। इसमें क्या होता है कि जैसे कई बताया था दलाल वाली बात किसी ने जिक्र की थी, तो ऐसा मैंने देखा है कि कई पेपर आते हैं कि अरे भाई ये पेपर भाजपा का है, ये कांग्रेस का, इसको ना करो यार, ये इसका है, इसका ना करो। कोई अभी जैसे भाजपा हिमाचल प्रदेश में कोई आरएसएस वालों का सपोर्ट लेते हैं कि हाँ भाई ये इसका कोई बड़े से नया नड्डा जी से सिफारिश लगाते हैं, उसके अलावा तो ये इसका बंदा उसका। तो ऐसे कई शिकार हो जाते हैं, कई छोटे बड़े पेपर, बड़े पेपर तो अपना काम करा लेते जैसे तैसे करके अपने पावर से जिस मर्जी से, पर जो छोटे हैं वो पेपर रह जाते हैं। तो मैं इसकी ना प्रवाह करती हूँ, अभी भी मैंने जारी रखा है, भले 18-19 लाख का घाटा हो चुका है, शायद इस वर्ष देखते हो चला पाता तो ठीक है, पर मैंने उसकी हिम्मत नहीं आ रही है। तो लेकिन जो 2 पेपर के मेरे रेस्पॉन्स आ रहे हैं जो बाय डाक जा रहे हैं, सरकार का बिजनेस मात्र हमारा 60 से लेकर 80 हजार के बीच आ रहा है इम्पलमेंट होने के बाद। पहले नहीं था तो 5200 की एड आनी साल में 3 या 4, लेकिन मुझे ये था कि मैंने ये बिजनेस के लिए नहीं खोला, मुझे समस्या रहती है। क्योंकि जो पेपर की देखा जाता है, जो बड़े पेपर, लीडिंग पेपर बड़े बड़े शहरों में मिल जाता है, हर जिला स्तर में ये है, लेकिन जो हमारा है, हमने एक छोटे पेपर को हर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, पुस्तकालय, हर पंचायत लेवल में पहुंचाने का हमारा एक मकसद है। अभी के हाल ही में पूरा कवर नहीं हो, 5000 कॉपी जितना है उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उतनी खबरें हम नहीं कर पाते। तो पेपर में अधिक सारी न्यूज नहीं आ पाती, इसलिए मैंने जागो न्यूज वेबसाइट भी खोली, jagonews.in। तो उसमें भी अधिकांश पूरे ऑल ओवर इंडिया की खबरें हम करने के अपडेट कर रहे हैं। तो ये चीज एक महत्वपूर्ण रहती है, इसलिए यूनिटी वाली बात बड़ी जरूरी है कि यूनिटी होना जरूरी है।
और धीरे धीरे उसी तरीके से पत्रकारिता में यदि यूनिटी हो तो हर एक कार्य संभव है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज जैसे जो रहता है कि कोई बीजेपी का बंदा, कोई कांग्रेस जो नेता लोगों की चापलूसी करे, इससे हमारी पत्रकारिता का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यदि नवयुवा भी अब अपने विचार अपने उस ढंग से आगे चलेंगे तो आने वाले समाज में पत्रकारिता बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत बढ़िया। देखिए ये बहादुर लड़का जो पत्रकार है, और पत्रकार होने के साथ साथ इस लड़के ने जिस जज्बे के साथ काम किया है, भाई मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूँ और मैं इनको सम्मान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमलेश्वर जी, सॉरी कामेश्वर जी। और मैं बुलाना चाहूंगा उत्तराखंड देवभूमि से हमारे बीच पधारे डॉक्टर अनिल जी बहुगुणा। आप हमारे संगठन की जो मुख्य स्तंभ हैं, उसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए एक सरिये आप भी हैं, और स्टेनलेस स्टील मैं आपको कहूंगा जिसमें कभी जंग नहीं लग सकती। डॉक्टर अनिल जी बहुगुणा आप आए। बहुत शुक्रिया। एक नवोदित राज्य से आता हूं, मात्र 18 साल का राज्य है उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई। 18 साल में जो स्थितियां हमारे प्रदेश की हैं वो संभवतः सभी को इसकी जानकारी है। पत्रकारिता के मामले में कहूँ तो मेरा करीब 3 दशक का रिश्ता रहा है। इस दौरान पत्रकारिता भी की, पत्रकार पैदा भी किए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हेड के पद पर भी रहा। करीब 12 साल मैंने पत्रकारों को पढ़ाया। इस दौर में पत्रकारिता में जो उतार चढ़ाव आए उनको महसूस भी किया। 2013 में मैंने प्रिंट मीडिया छोड़ा, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा, लेकिन जो गत जो स्थितियां जो सिनेरियो मैं अब देखता हूं उसको देख करके बड़ी वेदना और चिंता भी होती है। यहां जितने लोग मौजूद हैं इस वीरों की भूमि में, इस गुलाबी नगरी में, उनका खैर मकदम करते हुए मैं कुछ 2-4 बातें अपनी रखूंगा। मंच पर बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूं। देखिए किसी, ये नेचुरल फिनोमेना है कि जो चीज एक बार चढ़ेगी वो गिरेगी भी, ये तय बात है। वही पत्रकारिता के साथ में स्थितियां पैदा हो रही हैं। जो बड़ा कभी हम मीडिया के किस जगत में थे और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है उसको चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जनता देख रही है। और एक दौर वो था जब डाक से अखबार आपके घरों में पहुँचता था, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आया है पत्रकारिता में। लेकिन इन बातों को समझना पड़ेगा कि हम लोग दूसरों की तो चिंता करते हैं, अपनी चिंता नहीं करते। और जब हम अपनी चिंता नहीं करते तो हम रोग ग्रसित होंगे ही होंगे। हमें इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि पत्रकारिता, और जब एक बात और जोड़ दूं, जब से सोशल मीडिया का इंट्रोड्यूस हुआ है, एक वैकल्पिक मीडिया तैयार हुआ है, और इस सोशल मीडिया ने बहुत बढ़िया बढ़िया लोग लिखने वाले, पढ़ने वाले, अपनी राय देने वाले लोगों को पैदा किया है। आज इतनी तेजी से हमको फीडबैक मिलता है। अगर आप कोई सोशल मीडिया पर अगर कोई एक पोस्ट करते हैं तो उस पे
पसंदगी नापसंदगी और उसकी अभिव्यक्ति क्या है जो आपने लिखा है वो बहुत तेजी से आपको मिलता है। जर्नलिज्म में एक सिंपल सी बात थी कि फीडबैक जो है जो आप कह रहे हैं वो बहुत लेट आपको मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसको बहुत फास्ट कर दिया है। पत्रकारिता का जो पतन होता जा रहा है इसका सीधा सीधा आरोप हमारे, क्षमा चाहता हूं, हमारे राजनेताओं पर जाता है जिन्होंने पत्रकारों को अपने लिए इस्तेमाल किया और ऊपर सीढ़ी चढ़ी और सीढ़ी को गिरा भी दिया। इसलिए हमें कई एक मामलों में सजग रहना पड़ता है। और जो व्यक्तिगत मेरी बात है, मैंने 2013 में और मेरी पत्रकारिता 1984 जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तब से मैंने पत्रकारिता की थी। लखनऊ में स्वतंत्र भारत पाइनियर नाम से अखबार निकलता था, तब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया था। दैट टाइम आज मैं ग्रेजुएशन कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो ये पत्रकारिता का ह्रास जो हुआ है इसमें राजनेताओं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पत्रकारों को इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया। लेकिन जो संगठन अब तैयार हुआ है, एक संगठन हमने ये श्रीलंका में शुरू किया था, बाला भास्कर जी थे, अरुण शर्मा जी थे, हम 8-10 लोग थे जिन्होंने समुद्र के किनारे बैठ करके चिंतन किया था कि क्यों ना हम एक संगठन बनाएं और उस संगठन के हिसाब से जो हमारे देश भर के लोग हैं, फिर हमने उसमें कुछ पड़ोसी मुल्कों को भी जोड़ा, श्रीलंका के कुछ लोग नहीं आ पाए, उनको आना था। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर हम संगठन से जुड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं हमको फायदा उस बात का मिलेगा। पत्रकारिता का जो स्तर गिर रहा है उसको थामने में हम अपने कंधे का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तादाद में आज हम यहाँ जुटे हैं देश भर से, ये अलार्मिंग पोजीशन है पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों को इस्तेमाल करने वालों के लिए कि हमें अकेला ना समझें, हमें हल्का ना समझें। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जयपुर की इस यूनिट को और विशेष रूप से भाई रोहितास को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो दूसरी बार का आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। एक दो लाइनें मैं रोहितास को के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि दीवानों के हमराह रहना भी है कयामत, लेकिन दीवानों को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शायर दोस्त बड़े भाई अनिल जी बहुगुणा। आप पत्रकारिता के प्रोफेसर रहे हैं और पत्रकारिता उत्तराखंड में एक बहुत ही सम्मानित नाम डॉक्टर अनिल बहुगुणा का है। मैं मध्य प्रदेश से हमारे बीच पधारे भाई सुनील जी वर्मा को सादर आमंत्रित करता हूँ। सुनील जी असमर्थ हैं, मैं बुलाना चाहूँगा मध्य प्रदेश से, चारों में से, मुरलीधर शर्मा जी, केदार सिंह जी, अभिषेक जी शर्मा, आप चारों में से कोई भी आना चाहें। केदार सिंह जी मध्य प्रदेश से आए हैं। भारतीय यूनियन मीडिया जर्नलिस्ट में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भाई साहब भास्कर जी और उपस्थित अरुण जी भाई साहब और देश के कोने कोने से सभी पधारे मेरे सभी वरिष्ठ जन और मेरे भाई बंधु बहन, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की गुलाबी नगरी जयपुर में आज सभी भाइयों के दर्शन का लाभ हमें मिला और जो पत्रकारिता है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हमारे
हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे विदेश की सरकार हो, और जो भी हमारे देश के अंदर प्रशासन, लोक प्रशासन, अच्छे काम होना, जहाँ कोई समस्या है और उसको बुलंदी पर ले जाना, ये हमारे मीडिया का काम है। और वास्तव में बड़ी खुशी की बात है कि मीडिया समय समय पे जो भी देश हित के लिए, जनता के लिए, लोकहित के लिए जो काम होता है, वास्तव में अच्छी अच्छी गाइडलाइन देते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के अंदर पत्रकार महोदय, मीडिया, पेपर, इन्होंने आज विश्व में अपनी अच्छी जगह बनाई है। और चौथे स्तंभ का काम वास्तव में करने में समय समय पर खरे उतरे हैं। एक बात यह है कि न्यूज़पेपर NEWS नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट चारों दिशाओं की खबर ये देते हैं, और हिंदुस्तान के प्रशासन में समय समय पर सही कसौटी पर खरे उतरते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद केदार सिंह जी। नेपाल से हमारे बीच पधारे श्रीमती सुभद्रा जी भट्टाराय साहब, भट्टाराय जी, आइए हम आप हम सब सुभद्रा जी का स्वागत करें। और मैं बुलाना चाहूँ आदर और अदब के साथ बहन सुभद्रा जी को। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक जी। म सबैभन्दा पहिला मेरो देश नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुनाले म पहिलो सम्बोधन मेरो आफ्नो मातृभाषामा गर्न चाहन्छु। यस मञ्चमा आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू, यस भारतका विभिन्न प्रान्तबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ आदरणीय मञ्चमा आसीन व्यक्तित्वहरू, दर्शक दीर्घामा रहनुभएका सम्मानित आदरणीय मेराग्रज, सबैप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म पत्रकारिताको सन्दर्भमा थोरै केही कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई म पुनः थोरै यहाँको भाषामा पनि सम्बोधनलाई जोड्न चाहन्छु। यस मञ्चमा विराजे आजके अध्यक्षजी, मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि हैं, विभिन्न प्रांत से आए हुए अतिथिगण, सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ पत्रकार, सभी को मैं अपने देश नेपाल की ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से भी हार्दिक नमन करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की भाषा में बोलने के लिए। इस पत्रकार के संबंध, इसकी इतिहास को देखेंगे तो बहुत आगे से 1931 से प्रारंभ हुई, रोम से प्रारंभ हुई इस पत्रकारिता की इतिहास बहुत लंबी है। मैं से भी मेरे अग्रज बहुत है आगे, फिर भी हम लोग जिस मीडिया में काम करते हैं, जितनी भी हम लोग की ताकत है, ये ताकत आगे भी बोले थे, एकजुट होने से, फूटने से नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन भी करती हूं कि जर्नलिस्ट इतना मामूली बात नहीं है।
फिर भी हम लोग अंधेरे में रहे। पत्रकार अपनी सारा जीवन पत्रकारिता में बिता देते हैं। अगर कोई भी पत्रकार समाज में किसी लोग को स्थापित करने के लिए अगर नहीं लेके तो किसी का भी मान सम्मान समाज में ना हो ना राष्ट्र में हो। आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे समाज के वरिष्ठ लोग हो, अगर उन लोगों के नाम पत्रकार ने उठान नहीं किया तो समाज में स्थापित करने वाला एक ही शक्ति है, वो है पत्रकार। फिर भी राज्य के चौथे अंग के रूप में हम लोग पत्रकार को सम्मान करते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, चौथे अंग है पत्रकार, पर आज भी किसी को भी सम्मान नहीं मिला है। हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में इतने ही सम्मान देना चाहिए पत्रकार को कि उसका अब तक भी जीवन का रक्षा का सुरक्षा कोई भी नहीं है। इसका जिम्मेवार राज्य होना बहुत जरूरी है। किसी भी राष्ट्र में पत्रकार का संरक्षण और उनके परिवार की सुरक्षा नहीं है, उसका यकीन नहीं है। इसीलिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रोहित जी को, हम लोग को नेपाल से इन्वाइट किया है, हम आए आपके पास दोस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग के जितने भी लोग हैं सबको अपना अपना धर्म निभाना जरूरी है। पत्रकार समाज में हुई जो तथ्य सत्य घटना पर आधारित रही, स्पष्ट गोपनीयता, पारदर्शिता और ईमानदारीता की धरोहर पर रहकर अपने ईमान को समाज को उजागर करने के लिए आगे बढ़ने की शक्ति का नाम है पत्रकार। जो कोई लिखने से पत्रकार नहीं बन सकता, पत्रकार के पत्रकारिता के निखार होना चाहिए। इतनी शक्ति पत्रकार के कलम में है, उतनी शक्ति किसी भी व्यक्ति की दौलत में नहीं है। इसलिए पत्रकार ऐसी चीज है जो विश्व में, संसार में, संसार को हिला देती है। एक कलम की निकली हुई स्याही से वो सबसे आगे चलते हैं, वो है पत्रकार। इसीलिए राष्ट्र को, समाज को, सभी को इस पर गौरव करना चाहिए। पत्रकार वो शक्ति है जिसने जो समाज में छिपी हुई शक्ति को, समाज में छिपी हुई कला को उजागर करके समाज के आगे स्थापित करते हैं। वो लोग जिसको, जिसकी पास जो क्षमता है, जिसकी पास जो शक्ति है, उसको उजागर करके समाज में और राष्ट्र में स्थापित करके देश विदेश तक उसका नाम फैलावा करने की एक बड़ी महत्व का चीज है पत्रकारिता। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो चाहे बन गए पत्रकार, ये वो नहीं है, बहुत कठिन बात है। हाँ, किसी किसी के कारण बदनामी भी हुई है, मेरे देश में भी पत्रकार का हाल ऐसा ही है, कहीं भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पर ईमानदारीता में रह करके समाचार संप्रेषण करना पत्रकार का धर्म है। कभी कभी छोटे मोटे गलत काम करने के बावजूद भी हम लोग बदनाम हो जाते हैं। बदनाम किया जाता है हम लोग का, किसने बदनाम करते हैं, वो है राजनीतिक। जब तक पत्रकार राजनीतिक, पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति, व्यक्ति पत्रकार होंगे उसमें पत्रकारिता की छवि नहीं होना चाहिए। उसको पत्रकारिता खत्म करके राजनीतिक फील्ड में भिड़ना जाना चाहिए। वो बने एमएलए, बने एमपी बने, मगर पत्रकार कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी राजनीतिक दल के समीप रहकर पत्रकार नहीं बन सकते। निस्वार्थ, निष्पक्ष होना चाहिए पत्रकार। ऐसी संगठन है, ऐसी धरोहर है, इस धरोहर को मैं सलाम करती हूं। मैं थोड़ी इस पत्रकारिता के संबंध में, मेरे बड़े भाई भी है ऋषभ देव घिमिरे, उन्होंने भी बताएंगे आप लोगों को। पत्रकार समाज में छुपी गलत और सही बात को उजागर करके सब सामने लाने की एक ताकत है पत्रकारिता।
किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठित कराने के लिए, किसी भी व्यक्ति को पहचान देने की सबसे पहली बात है पत्रकार। पर आज तक पत्रकार की सुरक्षा हुई कहां? पत्रकार के एक बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा जमा करने के लिए बहुत कष्ट होती है। अगर आज खाली पांव चलने वाले एक नेता बन जाते हैं करोड़पति, मगर एक ईमानदारी की कलम चलाने वाली पत्रकार वैसे की तैसे रह जाती है। उसी को लेते हैं कानून भी, उसी को लगाते हैं जंजीर भी, उसी को लेते हैं बेड़िया भी। इसलिए जब तक संपूर्ण विश्व के पत्रकार एक नहीं हो जाते, फिर भी मैं अनुरोध करती हूं कि अगर वर्ल्ड वाइज ना हो सके, फिर भी पूरा सार कंट्री का पत्रकार को एक छाता संगठन होना चाहिए। सबको एक छाता संगठन होना चाहिए, इतनी शक्ति मजबूत होना चाहिए कि सार संगठन नहीं हिला सकेगा कि विश्व को। ये भारत से शुरू होना चाहिए। सार संगठन के बड़े देश के रूप में भी भारत है, इसीलिए सार स्तरीय संगठन को भी आप लोग मजबूत करके गठन करने का मैं महसूस समझती हूँ, महसूस करती हूँ। तभी शक्ति की आवाज सबको सुनना चाहिए। एकजुट होने से बुलंद आवाज आगे बढ़ेगी तो सभी की हक और अधिकार की सुरक्षा होगी। मीडिया में देखते हैं हम लोग बहुत महिला पत्रकार जर्नलिस्ट को, हम लोगों को भी सुरक्षित नहीं है कहीं से भी। किसी के पास भी हम लोग अकेले जाकर के न्यूज ले नहीं सकते, क्योंकि समाज ही वैसा है। ये समाज के बदलने के लिए सबसे पहले खुद को खुद बदलना चाहिए। ये बदलने वाले मीडिया ही है। अगर गलत बात को उजागर करके समाज में निकाल दिए तो उसका हिम्मत नहीं होगा कि किसी को भी आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं सकेंगे। इसलिए पत्रकारिता इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी हिम्मत है। मैं आदरणीय सभी मेरे अग्रज है, मैं सबको सम्मान करती हूं। इसलिए पत्रकार के इतिहास के बात करने से कि मैं कोशिश नहीं करूंगी, समय बहुत कम है। हमारे नेपाल में भी मोतीराम भट्ट ने सबसे पहले पत्रकार का पत्रकारिता का प्रारंभ किए थे, जिसने हमारी भाषा भी भाषा की धरोहर भानुभक्त आचार्य को विश्व में सबके सामने एक भाषा के माध्यम से परिचित कराया। पत्रकारिता इतनी मामूली बात नहीं है, जो कोई के दिमाग से पत्रकारिता नहीं बनती। इसलिए पत्रकार होने के लिए उसके पास शक्ति चाहिए, उसके पास दिमाग चाहिए, उसके पास पारदर्शिता चाहिए। मेहनत परिश्रम के बावजूद ईमानदारिता और गोपनीयता पत्रकारिता में बहुत जरूरी होती है। मैं तो इतनी खुश हूं आज इस जगह पे आकर आप लोगों को थोड़ी भी संबोधन करने की जो अवसर मिली, इस पे मैं आप लोगों सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, मैं सबको हार्दिक नमन करती हूँ। और एक सौगात है जो आप लोगों के मैं अनुमति हो तो सुनाऊं। बहुत दूर से आई हूँ, होठों पे नमी लाई हूँ, देखने वालों गौर से देखो, तुम्हारे घर पे खुद ही आई हूँ। कुछ मीठी बात लेकर प्यार की सौगात लाई हूँ, दूर से आई हूँ, फूलों की सुगंध लेकर मीठी मुंह जगाई हूँ, गागर में मोती भरकर तुम्हारी आंचल सजाई हूँ, मिलने की तमन्ना है मुझे मर की बाग लाई हूँ, सागर जैसे आंख मिलाकर जरा प्यार ही प्यार लाई हूँ, हाथों में सजाकर सांप की रंग लाई हूँ, और तारों में समा जाओ दोस्ती की हथेली सजाई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ सभी को सुनाने के लिए शांति की संदेश लाई हूँ, शांति की संदेश लाई हूँ। मैं यही निवेदन करूंगी, अगर चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितने भी सात कंट्री है सबके एक संगठन मजबूत बनना चाहिए, और पत्रकार के जीवन की रक्षा के लिए
हम लोग लड़ने के लिए एकजुट होना जरूरी है। इसलिए मैंने आज आप लोगों के पास एक निवेदन करूंगी, हम लोग आए हैं, मुझसे भी ज्यादा पत्रकारिता करके मेरे भाई ऋषभ देव घिमिरे हैं, उन्होंने आप लोग को बहुत कुछ बताएंगे। मैं अभी जो यहाँ बुला करके दो शब्द रखने के इजाजत दी, मैं आयोजक विशेष रोहित भैया और रोशन सिंह शिखावत भैया कहाँ पे है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जो इस मीडिया से जोड़ दी। कहने की बात बहुत है, फिर भी समय की पाबंदी है, इसलिए मैं अपनी दो शब्द ही अंत करने की अनुमति चाहती हूँ। जय मातृभूमि, जय नेपाल, जय भारत, जय पत्रकारिता। बहुत ही ओजस्वीपूर्ण आपका उद्बोधन रहा बहन जी, आपको पुनः धन्यवाद। और भगवान जगन्नाथ जी की पावन भूमि से हमारे बीच पधारे मेरे बड़े भाई त्रिलोचन जी बिस्वाल, आप आए और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। गुड आफ्टरनून।